एक तरफ प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन के हरी झंडी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द हो रही है और समय पे नहीं पहुंच पा रही है, और दूसरी तरफ कोई दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री जाते हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, तो आज आवश्यकता छत्तीसगढ़ के विरल बसाहट को देखते हुए ये ट्रेन की जितनी भी सुविधाएं हैं, हालांकि पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकते, लेकिन जितनी भी सुविधा है वो सही समय संचालित तो हो, स्टेशन में रुके तो, यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचे तो, और इसके लिए ज़रूरी है कि समय का पाबंद होना चाहिए और सही समय में ट्रेन छूटे और गंतव्य तक पहुंचे, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए मैंने ये पत्र लिखा। जो खुद का काम है उसको तो करते नहीं है और रोज पत्र लिखने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन का अपग्रेड होना है, 470 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर का रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन होना है, जो छत्तीसगढ़ की रेलवे लाइन है जो सिंगल लाइन है वो डबल हो रही है, जो डबल है वो ट्रिपल हो रही है, और उसके कारण लोगों को थोड़ी सी तकलीफ उठाना है। मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में छत्तीसगढ़ की रेलवे की जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। जब पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर हमको नई बिल्डिंग बनानी होती है तो थोड़े दिन परेशानी उठानी पड़ती है, परंतु भूपेश बघेल जी मालूम नहीं उनको ये समझ में आता है कि नहीं आता है। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी, 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के विषय आज ऐसे है जे कारण से यात्री मनला परेशानी हुआ थे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में रेल यातायात अस्त व्यस्त है, छत्तीसगढ़ में रेल यातायात के यात्री मन परेशान है। एक तरफ तो केंद्र सरकार दावा करत है कि भाई हमन रेल सुविधा ला बढ़ावा थन, रेलवे स्टेशन नवा नवा बनावा थन, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ थे, लेकिन छत्तीसगढ़ एमा परेशान है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा वैसने कम है, लेकिन जितना भी है वहाँ भी मालगाड़ी ज्यादा जावा थे, या जो यात्री गाड़ी है ओमा नवा नवा आदेश आ जाते, ट्रेन रद्द हो जाते, कई बार ट्रेन लेट हो जाती। यही ला मुद्दा बनाए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा, और पत्र लिखे है प्रधानमंत्री ला। ये पत्र के पीछे का मकसद है, का एकर जवाब है, का सही में परेशानी है, का 6 महीने में परेशानी खत्म हो जाए, इन सब बात ला आज हम 5 के पंचायती में चर्चा में करबो। पहले मिल ले थन कौन कौन पहुना हमार साथ है, तो पहुना मन से पहले मिल लो। हमार साथ है कांग्रेस के पक्ष रखे बार राजेंद्र बंजारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और हमार साथ है यात्री सुविधा के जो एक संघ बने हैं उकर प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यदू जी, उकर भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे बार हमार साथ जुड़ा थे सौरभ जागृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके भी। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करत हुए ये चर्चा ला में यहाँ यहीं से शुरू करता हूँ। और सौरभ जागृत जी से संपर्क करे के हमन कोशिश भी करबो, लेकिन कांग्रेस और हमारे साथ जो यात्री सुविधा संघ है ओकर प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यदू जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके चर्चा ला शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री ला पत्र लिखे है मुख्यमंत्री, हा लेटर पॉलिटिक्स चला थे, का है एकर मकसद बताही हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी। बंजारे जी ये बताओ भाई, ट्रेन के सुविधा ला बढ़ाए बार काम हुआ थे, कले प्रधानमंत्री हा 3 ठन बड़े स्टेशन के सौगात दे दी से, भूमि पूजन हो गए, अब जल्दी से जल्दी स्टेशन बनी उन्नत हो ही, तो ये तो अच्छा बात है। थोड़ा बहुत परेशानी एक कारण हो सका थे, लेकिन आप मन तो अच्छा काम हुआ थे, उमा भी उंगली उठा तो भाई परेशान है परेशान है, का कारण है ये पत्र लिखे के बोला पहले बताओ। देखो तिवारी जी, ये मन है रेलवे स्टेशन ला सुंदर बनाए के बात कहा थे, लेकिन ये निजीकरण के और धकेलत है हमारे जो है रेलवे ला, इसे लगत है यात्री सुविधा मन के बाद नाम के ना कुछ नहीं है। यात्री सुविधा मन देखत हो कैसे हमारे भारत के सबसे ज्यादा आबादी जो है स्लीपर और जनरल क्लास में सफर करने वाला लोगन रहते, लेकिन ओला अपन गंतव्य में जाते पहली बार देश की आजादी के बाद होते कि अपन गंतव्य में जाते ट्रेन चलती चलते है और ट्रेन ला रद्द कर देवत है, बिना कारण के ट्रेन मन ला रद्द कर दे। आप छत्तीसगढ़ के कई सारे ट्रेन ला देखे हो रद्द करी सही, कतका परेशानी हमन लोगन मन ला देखे मिली से, कई जन परीक्षा देवाय पर जाते दूसर प्रदेश, कई जन नौकरी के नाम से जाते, कई यात्री अपन रिश्तेदार नाते ला मिलने जाते, कतका परेशानी हो। ट्रेन में सुविधा बेहाल नहीं, सुविधा कुछ नाम के चीज नहीं है, और जो है दिखावा के लिए
सुंदर बनाकर रेलवे स्टेशन कहा थे। ये कुल मिला के मोदी जी है अंदानी अंबानी ला जैसे बेचत एयरपोर्ट बेचत वैसे रेलवे ला बेचे चालू कर दे, निजीकरण के और इशारा हुआ थे ये सौंदर्यीकरण के नाम से ऐसे हमला लगते है। ओकरे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी है लगातार चिट्ठी पत्र देते लेकिन रेलवे के कान में जून तक नहीं रेंगते और रेलवे है इला सूद भी नहीं लेवते और लगातार दिनों दिन ट्रेन लेट होते और यात्री मन परेशान होते हल्ला कान होते। ठीक है, तो यात्री मन के परेशानी अहम मुद्दा है। भले भाजपा और केंद्र सरकार हा ये दावा करे कि भाई यात्री सुविधा हमन बढ़ावा थन, लेकिन ये बात भी सही है कि हर महीना 10 ठन 15 ठन ट्रेन मन रद्द होते और जो है लेट लतीफी तो हर ट्रेन में है। हर ट्रेन छत्तीसगढ़ में लेट चलत है, जो 2 घंटा है पहले लेट रही से वह 5-5 घंटा लेट हुआ थे, तो ऐसे में परेशानी बढ़ गई। यही कारण से पत्र लिखे है मुख्यमंत्री जी। सौरभ जागृत जी है जवाबदेही। सौरभ जी आप मन दावा करते हो कि भाई रेलवे स्टेशन अच्छा करा था, रेलवे सुविधा बढ़ावा था, छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा थे भाई ये सब, का कारण है? कैसे जवाब दू? कांग्रेस तो मुद्दा बना दी, प्रधानमंत्री ला पत्र लिखे है मुख्यमंत्री। सबसे पहले आप सब टीवी चैनल 24 के माध्यम से सब जनता मल्ला और पत्रकार महोदय मल्ला मैं नमस्कार जय जोहर करत हूँ। और रही बात है रेलवे स्टेशन की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 24,000 करोड़ के लागत से लगभग 508 रेलवे स्टेशन मनला विकसित करी, पुनर्निर्माण करके ओला नया भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के नए ऊर्जा देके ओमला प्लेटफॉर्म ला जनता ला सौंपी। और दूसरा बात, यदि ट्रेन लेट हुआ थे तो ओमे कई महीने से नवनीकरण के काम चला थे, रेलवे स्टेशन में जो रेलवे ट्रैक कॉरिडोर है उला सुधारे के काम चला थे। ये जल्द से जल्द ये परेशानी जनता मन से दूर हो जाई। ओकर बाद जो विकास के काम चला थे रेलवे स्टेशन के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है लगभग 508 रेलवे स्टेशन मनला नया विकसित रेलवे स्टेशन बनाए के संकल्प ले, जेमें छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन आवत है। और मैं आप लोग बता देना चाहत हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी के जो रेलवे स्टेशन है लगभग 407 करोड़ रुपए के माध्यम से बनी और भव्य रूप से ऐसे रेलवे स्टेशन आप मन देखेला मिली जनता ला। और दूसरा बात भैया, भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस पार्टी बोलते है कि हमन पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ला अवगत कराए हन, भैया हमन सिर्फ और सिर्फ 9 सालों है सत्ता माए में, ओकर पहले केंद्र में कांग्रेस के सरकार रही, ओमन जतका रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक के विकास के काम नहीं करे रही, ओकर विकास के काम आज भारतीय जनता पार्टी करत है, तो कांग्रेस पार्टी ला चिड़ मचत। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अलग स्टैंड है लेकिन रेल और रेलवे स्टेशन में सियासत लगातार जारी है। और ही कारण है कि चिट्ठी पत्री भी चला थे, आरोप प्रत्यारोप भी चला थे, एक तरफ काम के दावा है दूसर तरफ लेट लतीफी के दावा है। हमारे साथ यहाँ पर यात्री सुविधा जो संघ है ओकर जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यदु जी भी है, ओकर से बात ज्यादा अच्छे से समझ सकथन, वो है यात्री भी है और यात्री मन के जो समस्या थे कर संघ के पास आते तो ज्यादा अच्छे से बताइए कि भाई काकर दावा सही है। श्रवण जी, दोनों साइड के दावा है, सरकार केंद्र सरकार कहा थे कि भाई हमन तो स्टेशन बनावा था, नवा लाइन बिछावा था, नवा नवा सुविधा आ गए, साफ सफाई हो गए, चकाचक हो गए रेलवे स्टेशन हा, लेकिन कांग्रेस कहा थे कि भाई लेट हुआ थे साफ सफाई से काम, मतलब देरी से पहुंचबो तो काम नहीं हो और परेशानी अलग, तो ये सब में दावा दोनों साइड के है, तो कौन बात सही है यात्री के रूप में आप का जग देखते हो? पहले तो मोदी जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, काबर की जो छत्तीसगढ़ में जो और बहुत सारे स्टेशन बन के जो वो करे हैं विकसित ओकर लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं मोदी जी। लेकिन जो ट्रेन लेट हुआ थे आप मतलब सबला मालूम है कि यात्री बन के ट्रेन हल लेट हुआ थे, लेकिन मालगाड़ी के ट्रेन काबर लेट नहीं होते, मालगाड़ी ला काबर समय पहुंचावत है, यात्री मन चार चार पांच पांच छह छह घंटा एक कहीं ना कहीं केंद्र में जिम्मेदार है। मैं सौरभ भैया से पूछना चाहूँ, सौरभ भैया कहा थे कि कुछ नवा चीज है, नए ट्रेन के विकसित करते विकास गति करते, लेकिन मालगाड़ी काबर समय पहुंचा थे और यात्री बन के गाड़ी काबर लेट पहुंचा थे,
कई ट्रेन रद्द कर देवत है मन और रद्द करत है तो यात्री मतलब बतावत भी नहीं है कि रद्द होते। अचानक कोई इमरजेंसी में अपन जाते परिवार से मिले बार कोई दुखी डंडी में जावत है लेकिन कहीं ना कहीं यात्री मतलब परेशान है। मैं बात करूं रायपुर मेडिकल सहित छत्तीसगढ़ के अन्य स्टेशनों में मेडिकल के कहीं सुविधा नहीं है काबर की मैं हमन निरीक्षण करते रहते हैं अभी हाल फिलहाल हमने निरीक्षण करें एक लिए हमने DRM ला ज्ञापन भी सौंपे हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा आप मन उपलब्ध करा दो। पहली मेडिकल सुविधा जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लेकिन मेडिकल सुविधा अभी तक से वहाँ नई सुविधा करेगी। वही मैं आप मन ला बात करो कि यात्री मन से कैसे जेब से मार करत है भाई जनता से जो स्टेशन में जो अपन दुकान लगा है भाई दुकान लगा है ओमन मनमानी वसूलत है भाई यहाँ तक के सेनेटरी नेपकिन के पैसा में भी 10 रुपया तरीक लेवत है भाई। हमन एकल ने भी ज्ञापन सौंपे हमन माननीय DRM महोदय ला हम बात करें रेल नील इमर रेलवे के करोड़ों के फायदा होते है रेल नील पानी के पानी ही गायब है रेल नील है पूरा मतलब छत्तीसगढ़ सहित अन्य स्टेशन में हम बात करें तो पूरा देश भर से रेल नील गायब है। हम बात करें अब दूसरा यात्री मन के लिए केंद्र सरकार अच्छा 15 रुपए में ही भोजन करी से है ना यात्री के लिए सस्ता भोजन, सस्ता भोजन लेकिन वो जनता भोजन भी गायब हो गए है। कहां गए वो जनता भोजन गए कहां आखिर कौन निकल गए वो जनता भोजन ला। हम बात करें कि अभी मोला पेपर में पढ़े मिली से कि जो पहले RPF GRP मन SLR लेके जावा थी से अब वो जवान मतलब SLR भी नहीं दी AK-47 भी नहीं दी तो कैसे हम रक्षा करी काबर की ट्रेन लेके रही डंडा लेके रही तो डंडा से का मदद कर पाई है। आए दिन ट्रेन घटना हुआ थे बालसोर जी से उड़ीसा के घटना ला हम रायपुर में जांच करे बार कहें कि छत्तीसगढ़ में का स्थिति है। आज तक हम बात करें DRM महोदय हमला अनुमति नहीं दी कि आप मन जांच मत करो करके काबर जांच नहीं करी हमारे यात्री के हित के लिए हम करा था बन तो यात्री के जान के साथ खिलवाड़ काबर करते थे बे। लेट लतीफी के भी बताओ ना ठीक से कि भाई यात्री मन कितना है सफर करा थे कि भाई ट्रेन अवैया करके आ जाते स्टेशन में अब बैठे रहो ट्रेन नहीं आवा थे या जो यात्री करा थे ओला जाना है कल वो पहुंचा थे परसों ऐसे भी समस्या है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारा समस्या है कि यात्री मतलब एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटा मैं अभी बात करूं करेंट में अभी नवा प्लेटफॉर्म रहते हैं हमारे रायपुर में वहाँ तो डिस्प्ले और माइक तक नहीं लगा है अनाउंसमेंट करे बार मैं अभी निरीक्षण करे बार नवा, नवा है ना, के तो साथ टाइम लगी नहीं तो भैया हम ये कहा था नवा नवा है तो ट्रेन काबर चालू करे थे। कई आदमी मैं देखे हूँ गिरते गिरते मोड़कर वीडियो फुटेज में हम DRM में दिखाया तो बोलते अभी चालू करे थे चालू करते एक आज चालू करे थे आदमी जान के साथ खिलवाड़ करे थे कहीं ना कहीं मैं मोहन जी कहा थे कि भाई सुविधा बढ़ा थे रेलवे स्टेशन बढ़ा थे रेल लाइन बढ़ा थे कर कारण थोड़ा सा नवा बिल्डिंग बनते तो पुराना घर में जो रवैया मन है ओला परेशानी होते तो ये परेशानी उही से जुड़े हुए 6 महीने का टाइम मांगे है भाई का कहना है आपके श्रवण जी 6 महीने इंतजार करूँ 6 महीना काबर इंतजार कर वो काकरो घटना दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गए मैं देखो कि CRPF के जवान अपन पेटी नहीं थे पेटी नहीं चढ़ा पाई थे पहली चढ़ी तो ट्रेन है चल दिस मोर सामने कई ठन यात्री मन इसने सुते है आए काम चलत है यात्री मन काम करत है कहीं ना कहीं हम बड़े जनहानि नुकसान हो जाए दुखद स्थिति है। हम बात करें कि पार्किंग के पार्किंग में भी अवैध वसूली चलते मनमानी वसूली तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है गौर करे गौर बिल्कुल नहीं करते नजरअंदाज करते रेल प्रशासन एकदम सोए है ठीक है। तो ये तो रही से जुबानी यात्री के रूप में और संघ के अध्यक्ष के रूप में श्रवण यदु जी के वह बता दीज भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। जागृत जी आप मन कितना भी दावा करो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखावा थे बस काम नहीं हुआ थे हो सका थे कोई दूसरा प्रदेश में हुआ तो ही छत्तीसगढ़ में बहुत परेशानी है दो जन आप मन के सामने उदाहरण आगे श्रवण यदु भी बता दी और बंजारे जी बता दी इसका कहना है आपका ये थोड़ा सा सुविधा वाला सुधारना तो जरूरत है आप ये महसूस करते हो कि नहीं भैया। सुधारे के बाद तो हमेशा हर कार्य में रहते यदि कोई भवन बनी तो कभी ना कभी जर्जर हुई तो ओला विकास करके काम लगता है और जब भी विकास हुई तो हमें समय लगता है और हमें परेशानी वो घर में रहिया मतलब भी पड़े ना पड़ते वैसे परेशानी जो है
हेमन का कभी प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन में कोई गरीब आदमी सफर नहीं कर पाते, कोई गरीब आदमी जवाब लो, पहले सुन लो जागृत जी, अब समझात हुए ये बताओ, जनता ला भी समझाना है, पप्पू बंजारे जी हमारे साथ है ओला भी समझाना है कि भाई देरी हुआ थे तो ये का कारण, विकास कारण देरी हुआ थे या कुछ कारण है, पहले माल गाड़ी ला भेजा था एका कारण तो कहीं देरी नहीं हुआ थे काय भैया, देरी एकर मारे हुआ थे, अलग अलग लाइन अभी नया बिछा थे, उनमें बिछे में टाइम लगते है, धीरे धीरे गेरी गेरी में काम चला थे, एकर मारे लेट लतीफी के जो आप मन बात करा तो वो उसने लेट लतीफी के बात नहीं है, समय समय पर ट्रेन में चलाना पड़ते, महत्वपूर्ण ट्रेन ला पहले से चलाना पड़ते ताकि अर्थव्यवस्था कहीं रुके मत, जनता की ट्रेन ला बंजारे जी आपका सुनूं, ठीक है। जागृत जी के कहना है कि भाई काम कहीं होते तो थोड़ा सा देरी होते, अब छत्तीसगढ़ में जो रेल सुविधा है वो कम है, ओला बढ़ाए की जरूरत है, नवा स्टेशन नवा लाइन बनी तब तो रेल सुविधा बढ़ी और यही कारण से देरी हुआ थे। बंजारे जी पहले हम नहीं देखे रहे कि भाई कोई प्रधानमंत्री आज करा थे उद्घाटन, फिर कल उद्घाटन, फिर परसों उद्घाटन, नवा नवा ट्रेन कई ठन ट्रेन के उद्घाटन कर डाले प्रधानमंत्री, तो ये तो थोड़ा सा काम हुआ थे, यही कारण तो नहीं है कि आप मन ये सब मीन में एक नी लात हो कि भाई ये गड़बड़े वो गड़बड़े, लगातार काम हुआ थे एक कारण तो कांग्रेस आपत्ति नहीं करा थे, आलोचना नहीं करा थे। देखो तिवारी जी, हम पहली भी बोले ट्रेन झंडी दिखा लेकिन यात्री मन लगा, अभी यात्री संघ के अध्यक्ष बताई से का सुविधा है, यात्री मन कोई बेनिफिट हो तब तो काम के, और यात्री मन बेनिफिट नहीं हुई, यात्री मन सुख सुविधा नहीं मिली, यात्री मन जनरल डोबी में कैसे कीड़े मकोड़े की तरह सफर कर रहे थे, ट्रेन के विस्तार से का मतलब हुई, और टिकट के दर इतना बढ़ा दे है कि आम आदमी जो वंदे भारत ट्रेन में सफर नहीं कर पाते, और यही मालगाड़ी ला कैसे बताई यात्री भाई हमारा अध्यक्ष है कि मालगाड़ी कैसे गंतव्य में जल्दी पहुंचे, ओकर मन के कोयला सप्लाई ओकर मन के जो देश के सबसे नीचे पायदान में रही से आप दूसरे नंबर में पहुंच गए, वही माननीय राहुल गांधी जी पूछा थे कि दूसरे नंबर में कैसे पहुंची, ये 20,000 करोड़ का करे ये सब बता नहीं सकते, और लगातार वाला हटा के काम करते है, ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और मैं आप मन लाकर देता हूँ, नियंत्रक महालेखाकार बोले 10 साल में पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा खराब स्थिति रेलवे के आज स्थिति देखल पड़ा थे, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी जो करके रख दे है, बदहाल कर दे है, यात्री मल्ला सुख सुविधा नहीं देवते, और चाक चौबंद करके निजीकरण पर सरकारी पैसा लगा के रेलवे चाक चौबंद कर दी, फिर निजीकरण में देवर वाला निजी हाथ में देवर, ये सब प्रोपोगंडा करते है तिवारी जी। ठीक है जागृत जी, ये बड़े आरोप है, मैं हूँ श्रवण जी आपके पास, लेकिन पहले जागृत जी, ये निजीकरण के कई ठन फार्मूला हम देखे, रेलवे स्टेशन तो अभी कई जगह हुए है कई जगह नहीं हुए, पर एयरपोर्ट में हो गए कहूँ वैसे तैयारी नहीं है कि नवा नवा स्टेशन बनाओ फिर ओला निजी हाथ में दे दो, ये आरोप है, एकर का जवाब है? ये सब आरोप बेबुनियादी आरोप है भैया, कांग्रेस अपन राजनीति चलाए बार ऐसे आरोप लगाते, यदि एमएलए जनता के वाकई में चिंता रखी तो भूपेश बघेल जी आज और कल ही काबर लेटर जारी कर, पहले काबर लेटर जारी नहीं कर प्रधानमंत्री ने, मैं पूछा था आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आज विकास काम हुआ है लगातार, पार्टी लगातार भूपेश जितना परेशानी थी 10 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिले भूपेश बघेल, कांग्रेस यदि लेटर लिखे आवेदन लिखे बात करते तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो छत्तीसगढ़ में महतारी मन के साथ अत्याचार हुआ थे, गाँव में कोई सुनवाई हुआ थे,
का गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ थे, ओमे का सुनवाई हुआ थे, का शराबबंदी जो बंद करे के मांग जनता मन के, का ओमे का सुनवाई हुआ थे, पीएससी घोटाला में का सुनवाई हुआ थे, चलो ठीक है। दोनों साइड से आरोप है। हमारे साथ श्रवण यदु जी है, पत्रकार भी है और वो यात्री संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो उकर से समझ लेथन श्रवण जी, कल हो इसे उद्घाटन, कल हो है नवा ट्रेन के शुरुआत और दूसरा दिन ये पत्र लिख के क्या बताए कोशिश है कि राजनीति के हिस्सा है क्या ये है, या जो समस्या रही से ओला बताए कोशिश है, कई दिन से पत्र नहीं लिखे रही से मुख्यमंत्री आई, कल परसों जो कार्यक्रम हुए ओकर कारण ये पत्र लिखे। ऐसे तो सही बात है, काबर की एकदम तत्काल पत्र लिखना जो हरे ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण के हिस्सा आवत है ना। लेकिन कहीं ना कहीं सौरभ भैया आप मन भी ये बात ला स्पष्ट करो कि लोकल ट्रेन काबर रद्द करत है, एक्सप्रेस ला काबर रद्द करत है, और जो मालगाड़ी वो काबर समय में पहुंचा थे। और अभी एक चीज और नया सुने का थे वे कि अब एसी के नीचे एक और कोच लगी दू ठक है ना, एसी से थोड़ा सा कम रेट में और स्लीपर लग कम करी, तो ऐसे काबर करत है रेल प्रशासन केंद्र सरकार है, ये भी एक नया फार्मूला आवत है वे, एला भी स्पष्ट करो। काबर की आम जनतक मार से जो है ट्रेन में ज्यादा सफर करते है ना, लोकल ट्रेन में ज्यादा सफर करते, एक्सप्रेस में करते तो स्लीपर में करते, जनरल के हालत तो आप बाहर से नहीं देख पाऊ, काबर की जनरल का हमन खुद सफर करे हवा, पहले कैसे रही से अब कैसे, पहले की व्यवस्था तो अभी थोड़ा सा ठीक हो गए, लेकिन सफर करने वाला यात्री मन के जो है तकलीफ बहुत है वे, ओमन तो कई जन में ऐसे बता दो आप मतलब सौरभ भैया आप मतलब यकीन नहीं होगी, लेटरिन खोली बैठ बैठ के आदमी सफर करते वे, ऐसा काबर हुआ थे बताइए ना। तो कैठन फोटो देखे हैं भाई कि जो ट्रेन है उकर छत में बैठ के भी हो है बिल्कुल यात्रा, तो सही बात तो मोहन भी आप और एक कारण तो ट्रेन के स्लीपर बढ़ाए की जरूरत है, ट्रेन के नवा लाइन बढ़ाए की जरूरत है, अब नवा लाइन बनी तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही ना भाई, नहीं लेट हो ठीक है भैया, लेकिन मालगाड़ी अपन काबर समय में पहुंचा था, ये भी तो देखो ये भी बड़ा कारण है, ठीक ये बड़ा कारण है भैया, कहीं ना कहीं जो है ये व्यापारी मतलब फायदा पहुंचा के बे है ना, दोनों गाड़ी ठीक चले थे, व्यापारी मन से ज्यादा पैसा आवत है, जनता से कम आवत है, तो जनता का बल लेट पहुंची। सवाल के जवाब ले लूं जागृत जी, ये बात भी सही है आपके बात ला हमन मान लेथन कि भाई आप मन नवा काम करत हो, नवा उद्घाटन करत हो, थोड़ा सा काम करत हो, पर ये मालगाड़ी की का है भाई, मालगाड़ी कैसे टाइम में चला थे, टापो टाप चला थे, टाइम में चला थे, बाकी ट्रेन मन हाँ लेट है। एक बात और कहा जाऊं ठीक, अभी देखा था कि अभी जो ट्रेन चला थे पहली जो ट्रेन रही से पुराना कोच, वो कोच मन इतना अच्छा रही से कि इतना पर खच्चा नहीं होते, अभी आप मन उड़ीसा के उदाहरण देख सकते हो कैसे तहस नहस हुए आदमी, कैसा दुर्घटना तो होते दुर्घटना, लेकिन ओतक नहीं हुए भैया, ठीक है दुर्घटना नहीं होना चाहिए। जागृत जी ये बताओ भाई, ये टापो टाप कैसे चला थे मालगाड़ी मन, बताओ का बात है भैया, मैं आप मतलब पहले बताए हूँ कि जो रेलवे स्टेशन के आगे में सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवे ट्रैक के काम चला थे, धीरे धीरे अपन हिसाब से रेल प्रशासन तय करते कौन सा गाड़ी कौन सा यात्री गाड़ी ला पहले चलना है, कौन सा मालगाड़ी ला बाद में चलना है, परंतु नाम काम करने पर 10 साल होना चाहिए ना रेल यात्री मतलब प्रशासन काम करे पर 10 साल लगते का जे कार्य रेलवे अधिकारी मन करत है, धीरे धीरे छह महीना के आप मन ला इंतजार करेगा पड़े सबको, आप मन के पटानी के नाम से मुनाफाखोरी कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से व्यवसायी बन गए हैं, व्यवसायी बन गए हैं, भूपेश बघेल जिला प्रधानमंत्री जिला अवगत कराना चाहिए आज छत्तीसगढ़ में, आप मन काम नहीं करो भैया, प्रधानमंत्री जी रेल मंत्रालय का पता चली तब तो वहाँ काम हो सरकार सरकार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तब तक अपन विकास के कांग्रेस सरकार बंजारी जी बात हो जान दो ठीक है।
तो ये तो ठीक है, भाजपा के अपन तर्क है और भाजपा हा तो ये बात ला पूरा राजनीतिक नजरिए से देखा थे कि भाई जो मुख्यमंत्री पत्र है ये मां कहीं ना कहीं कोई राजनीति है। बंजारे जी आप मन ठीक करे वर कुछ करहू का कोई प्रयास हो सकत है का, कोई संवाद हो सकत है? सीधे प्रधानमंत्री ला पत्र लिखा तो रेलवे ले बात करो भाई, कैसे छत्तीसगढ़ में ट्रेन नहीं चला थे भाई, काबर रद्द हुआ थे, एकर कारण का है ये जानने की कोशिश करो। सीधा प्रधानमंत्री लिखा तो प्रधानमंत्री कई ठन काम है वह उद्घाटन करके चल दी, 16 काम मालूम है ट्रेन लेट है कि नहीं है, तो कुछ बीच के रास्ता में बात होना चाहिए, रेलवे मंत्री से बात होना चाहिए, आप मन तो सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर बात करा तो नहीं। देखो तिवारी जी, कई बार हमारे कांग्रेस के साथी मन है DRM ला सौंपे है, पत्र सौंपे है कि ये सुविधा यात्री मन पर जो हलाकान होते परेशान होते व्यवस्था बनाओ करके, रेल मंत्री से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई चिट्ठी लिखे, कई बार अपन सब जब बैठक होते वहां बात रखते, प्रधानमंत्री जी के बैठक में बात रखे, लगातार पत्र पे हाथ चला, लगातार बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे याद दिला देते हैं कि ये सुविधा में बढ़ोतरी हो। और आपको आप लोग बता देना चाहता हूं, जो बुजुर्ग मन लो जो टिकट में जो है छूट देवत रही से उहू ला बंद कर दे, तो ये एकर मन के चाल चरित्र चरे, सांसद के परिवार ला जो है कैसे वाला सुख सुविधा देवत है, ओकर मन ला काबर छूट देते, ओकर परिवार ला काबर छूट देते, अगर बंद करना रही से तो यूहुल बंद कर दे। और बुजुर्ग यात्री मन जो सुविधा पात रही से वर्षों से सुविधा पात रही से, आज की नहीं है ठीक है, कई सालों से जब आखिरी कमेंट ले लेता श्रवण यादव, श्रवण यादव जी ठीक है, जनता मन ला सबक सिखाई, ये हमारे सीनियर सिटीजन मन मन ला सबक सिखाई, कैसे ओकर मन के साथ अन्याय करे। श्रवण जी आखिरी कमेंट में बता दो भाई, का सुझाव है आप मन के, सुझाव का है? राजनीति तो हुआ रही, कांग्रेस भाजपा का दावा अलग है, आप यात्री भी हो, यात्री संघ से जुड़े हुए हो, का सुझाव है आपके, 30-40 सेकंड बताओ। ये सुझाव है कि भैया जल्द से जल्द जो कार्य है कार्य पूरा करे, ये तो कार्य जो है अधूरा है ओला पहली व्यवस्थित कर दिया जाए, ओकर बाद नया कार्य शुरू किया जाए, कहीं ना कहीं नया चीज होते तो हम समस्थन की ओमा उठा पटक होते, घर भी अगर हम रहा था घर ला बनावा था तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ हो ही, लेकिन ये तकलीफ ला दुरुस्त करे रेलवे अधिकारी मन ला टाइट करे से क्या हुई, कहीं ना कहीं ये समान व्यवस्थित हुई और व्यवस्थित हुई तो ये सब चीज के समाधान हुई। और हम जब बात करें मेडिकल, सबसे बड़ी सुविधा है मेडिकल तो होना चाहिए सभी जगह स्टेशन में, ठीक है। तो सौगात एक तरफ मिला थे, समस्या भी बने हुए हैं, तो समस्या ला खत्म करना है, सौगात तो मिलत रही लेकिन समस्या नहीं होना चाहिए, ये बात के उम्मीद हमन करथन। और कांग्रेस और भाजपा दोनों जन से उम्मीद है कि भाई दोनों जन ऐसे प्रयास करो कि यात्री मन परेशान मत हो, अवैया जवैया के अच्छा साधन है ट्रेन में, अगर यात्री मन परेशान हो ही तो हमार विकास भी प्रभावित हो सकत है, एकर कारण यात्री के सुविधा के ध्यान रख के काम होना चाहिए, एम सियासत नहीं होना चाहिए। यही बात में आज हमन ये चर्चा ला खत्म करा था, हमारे साथ श्रवण यदु जी जुड़ी सोकर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ सौरभ जागृत जी रही से ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी जुड़ी सोकर भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला यही खत्म करता हूँ, और हमन उम्मीद रखथन कि आप मन देखत रहो TV24। बोला दो विदा, जय जोहार।